नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी के सहयोग से, एलिमको के सहयोग से और अन्य सभी महानुभावों के सहयोग से आज के इस समारोह में आपके बीच में आकर के अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है। मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आदरणीय श्री सोम मित्तल जी जो अभी अभी अपना भाषण दे रहे थे और नेस्कॉम के पूर्व अध्यक्ष हैं, वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय श्रीकांत सिन्हा जी, एसपीओ आदरणीय दीपक साहू जी, श्री जावेद आबिदी जी, सुश्री आभा चौधरी जी और सभी प्रतिनिधिगण, आप एक बहुत अच्छे उद्देश्य को लेकर के ये आयोजन कर रहे हैं। वास्तव में हजारों वर्षों की हमारी परंपरा रही है, समाज में शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हैं उनका उत्थान करने की दृष्टि से CSR फंड आज नाम है, परंतु पहले से हमारे यहाँ ये परंपरा रही कि ज़्यादातर लोग जो कमाते थे उसमें से 1%, 2%, 1.5%, 0.5% ऐसे कामों के लिए रखते थे। कुछ लोग धार्मिक कामों के लिए भी रखते थे। उसी परंपरा को ध्यान में रख करके सरकार ने भी ये महसूस किया कि सब काम केवल सरकारी बजट पर या सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के बल पर या उनके परिश्रम के बल पर ही संभव नहीं है, तो उसमें जनभागीदारी भी बहुत आवश्यक है। और जनभागीदारी को मोटिवेट करने की दृष्टि से अनेक बार अनेक प्रकार से प्रयास किए जाते हैं, परंतु ऐसा महसूस हुआ कि कानून बना करके भी अगर सक्रिय प्रयास करेंगे तो और ज़्यादा सफलता मिलेगी। उसी को ध्यान में रख करके ये CSR स्कीम सारे देश में लागू हुई है। अब आप मेरे क्षेत्र से संबंधित दिव्यांगजनों के क्षेत्र में लंबे समय से सहयोग करते आ रहे हैं और मैं महसूस भी करता हूँ कि आपके सहयोग से हमारे विभाग की जो जो योजनाएं हैं वो अमल में लाने का प्रयास हम कर रहे हैं और उसमें सफलता भी मिल रही है। मैं उदाहरण देना चाहूँगा एलिमको के हमारे अधिकारी यहाँ CMD बैठे हैं सरिन साहब और मेरे विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी भी, आप देख रहे होंगे इन दो सवा दो सालों में ये जितना तेज गति से कठोर परिश्रम करके दिव्यांगता के क्षेत्र में अनेक योजनाओं को सफल कर रहे हैं वो आपके सहयोग से हो रही है, ऐसा भी हम महसूस करते हैं। आप सुओ मोटो इस प्रकार के आयोजन करके क्या किया है, क्या करना चाहिए और हमारी कार्य योजना भविष्य के लिए क्या होगी, इस पर विचार करने के लिए इस प्रकार के आयोजन करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि इस आयोजन में भी आप आगे की कार्य योजनाओं पर विचार करेंगे, आप अपने आप में आत्मविश्लेषण करें, अपने द्वारा किए गए कामों की मीमांसा करें कि आपने पिछले समय में CSR फंड में जो प्रोविजंस हैं उसके अनुसार कितना ठीक काम किया है, क्या और भी कर सकते थे, क्या आपको कहीं और करने की आवश्यकता महसूस हुई हो, परंतु हम लोगों की अप्रोच नहीं रही हो, हमारे विभाग की अप्रोच नहीं रही हो या संबंधित परिक्षेत्रों में जहां आप काम करते हैं वहां किसी NGO ने या किसी संस्था ने आपसे संपर्क नहीं किया हो, आपके ध्यान में नहीं आया हो, इन बातों पर भी मंथन करें और भविष्य में इस योजना का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और मिले,
इस दृष्टिकोण को ध्यान में रख करके भी इसमें विचार करके हमारा मार्गदर्शन आप करेंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि आपके मार्गदर्शन को, आपके अनुभव को हम स्वीकार करके, अंगीकार करके हमारे विभाग की योजनाओं में भी अमल में लाने में उसको सहयोगी मान करके सम्मिलित करके आगे बढ़ने का काम करेंगे। वैसे तो जो यहाँ सामने बैठे हैं वो सब इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आबिदी जी और अन्य लोग, निरंतर हम आपस में मिलते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं और विचारों के आदान प्रदान में जो कठिनाइयाँ होती है वो भी ध्यान में आती है, उसका समाधान भी आप लोगों के माध्यम से हमको प्राप्त होता है तो हम उस पर कुछ प्रयास करते हैं। जैसे मित्तल साहब बता रहे थे कि हमारे यहाँ वर्तमान में दिव्यांगजनों का जो कानून बना हुआ है उसमें केवल 7 कैटेगरीज हैं। अब हमने जो नया कानून प्रस्तावित किया है उसमें 19 प्रस्तावित की गई है, अब वो विचाराधीन है। मैं सोचता हूँ कि इस आने वाले सत्र के अंत तक उस पर सत्र में विचार होने की गुंजाइश है, प्रयास भी है मेरा, कुछ 1-2 पॉइंट है उस पर गहन चिंतन हो रहा है, डिस्कशन हो रहा है, वो जानकारी भी आपको है। एक विषय ऐसा है जो मेडिकल लाइन के लोग कहते हैं कि ये बीमारी है और हम हैं जो ये कहते हैं कि ये दिव्यांगता है, इस पर कुछ फैसला होना है। मेंटल रिटार्डेशन वाला मामला इससे संबंधित है और एक आरक्षण का जो परसेंटेज है उस पर ये है कि 2011 की जनगणना है, 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से देश में दिव्यांगजनों की संख्या 2,68,00,000 है जो देश की आबादी का 2.21% होता है, अर्थात 2.25% भी नहीं है। और हमने प्रस्तावित किया है उसमें कि 5% आरक्षण होना चाहिए, तो इस पर गंभीरता से विचार हो रहा है। और इसमें कठिनाई ये महसूस हो रही है कि पॉपुलेशन से अधिक और वो भी दुगने से अधिक अगर कर दिया तो अन्य वर्गों के लिए जो आरक्षण है जैसे SC का, अब उनके आबादी जनगणना 2011 के आंकड़ों के हिसाब से 16.6 है और आरक्षण मिल रहा है 15%। ST का पॉपुलेशन की दृष्टि से 8.2 या उससे ऊपर है, आरक्षण मिल रहा है 7.5%। OBC की संख्या बहुत ज़्यादा है परंतु सुप्रीम कोर्ट और मंडल कमीशन के निर्णय के कारण वो 27% है। तो इन वर्गों में चर्चा शुरू हो गई कि वहाँ 2.5% पॉपुलेशन भी नहीं है टोटल की और फिर आप 5% देने की बात क्यों कर रहे हो, और 5% कर रहे हो तो फिर यहाँ भी बढ़ाओ। तो इस विषय को लेकर के कुछ विचार विमर्श जारी है, विलंब हो रहा है परंतु मुझे विश्वास है कि इसका निष्कर्ष निकलेगा और आने वाले सत्र में हम इस पर विचार कर सकेंगे। और जब ये हो जाएगा तो मैं सोचता हूँ कि दुनिया में एक सर्वश्रेष्ठ कानून की परिधि में ये माना जाएगा, क्योंकि 7 से सीधी 19 कैटेगरी होना, अब 19 कैटेगरी जब हो जाएगी तो कोई भी दिव्यांग भारत सरकार का या राज्य सरकार की या आप लोगों की योजनाओं से लाभान्वित होने से वंचित नहीं होगा। आपका सबका सहयोग उसमें मिले इस प्रकार का हमारा प्रयास रहता है और अपेक्षा भी है। वर्तमान में 3% आरक्षण की व्यवस्था है भारत सरकार के मंत्रालय के कर्मचारियों की संख्या में, राज्य सरकारें भी 3% आरक्षण दे रही है, कुछ राज्य सरकारें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और एकाध और कोई वो 6% आरक्षण दे रही है। अब वहाँ आरक्षण में सरकारी मंत्रालयों के कर्मचारियों की संख्या की तुलना में उनको रखने हो जाता है। अभी हमने DOPT के माध्यम से विशेष भर्ती अभियान चलाया, लगभग 15,500 पद दिव्यांगजनों के जो आरक्षित थे वो रिक्त थे, लगभग 12,500 से अधिक की पूर्ति कर दी
3,100 के आसपास और रिक्त हैं, उनकी पूर्ति करने का भी काम हम करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि वो कानून आप पर तो लागू नहीं है, परंतु अगर आप भी अपने यहाँ इस प्रकार की कोई अंडरस्टैंडिंग बना करके इस प्रकार के लोगों को भी काम पर रखेंगे तो अच्छा होगा। मेरा अपना अनुभव है, मैं जहाँ जहाँ गया, कुछ दिव्यांग और वो भी क्रिटिकल पोजीशन में, 80% से ज़्यादा दिव्यांगता जिनकी है और वो नौकरी कर रहे हैं, उनकी सीआर अन्य सामान्य श्रेणी के लोगों की तुलना में बहुत अच्छी है। मध्य प्रदेश में तो एक टोटली ब्लाइंड तिवारी नाम के कलेक्टर रहे हैं, सीओ जिला पंचायत का दायित्व तो निभाया और अच्छा काम किया, उसके बाद कलेक्टर का दायित्व तो भी निभाया। वैसे तो एडवोकेट भी हैं, इंजीनियर भी हैं और हर क्षेत्र में ब्लाइंड लोग भी हैं, पर बाकी दिव्यांगता है। कानपुर जब मैं जाता हूँ एलिम्को में, तो एक द्विवेदी करके एक बहन हूँ, रिसेप्शन पर उनकी ड्यूटी रहती है। आप देखोगे दोनों हाथ नहीं है, कंधे के यहीं से नहीं है। इसमें फोटो उसका दिया है जो सामने हमारे विभाग की उपलब्धियों की जानकारी की किताब रखी, उसमें एक पाँव भी नहीं है घुटने के यहाँ से, एक पाँव बचा है, उसका भी केवल पंजा थोड़ा सा ठीक है, बाकी ऊपर की पिंडलियों का हिस्सा और ये सब डिस्टर्ब है। उस एक पाँव से वो टेलीफोन ऑपरेट करती है पूरा। आप और हम जब टेलीफोन करते हैं और कहते हैं कि हमको सरीन से बात कराओ, तो वो पाँव से ही उसको टेलीफोन को ऑपरेट करके सरीन से बात कराई या हर किसी से बात कराती है। रिसीवर उस पाँव से ही कान में लगाती है, खाना भी पाँव से खाती है, और विशेष योग्यता उसकी ये है कि आप अगर उसके सामने 10 मिनट खड़े हो जाओ तो आपका रेखा चित्र बना करके वो आपको सौंप देती है, और हूबहू जैसा फोटो ग्राफर फोटो खींचता है इस प्रकार का फोटो खींच देती है। मैं जब जब जाता हूँ उनसे मिलकर के भाव विभोर होता हूँ और प्रेरणा मिलती है कि इतना अच्छा काम ये करती है। वैसे तो पिछले वर्ष IAS की परीक्षा में एक दिव्यांग ईना सिंगल करके वो टॉपर रही है, दिव्यांग है, विकलांग है, पर वो टॉपर रही है। ऐसे बहुत सारे क्षेत्रों में हमारा जो एलिम्को है, पहले प्रायः घाटे की स्थिति में आ गया था, ये CMD सरिंद्रा भी यहाँ आए हैं, बैठे हैं, इन 2 सालों में वो काफ़ी मुनाफे में है और हमने उसके विस्तार के लिए 286 करोड़ रुपए भी उपलब्ध कराए हैं। जर्मन के आटोबाक नामक एक आधुनिक उपकरण बनाने की संस्था है, उसके साथ हमने MOU किया है। ब्रिटेन की मोटिवेशनल नामक संस्था से भी MOU किया है। आधुनिकतम हाथ पैर बनाने का काम हम प्रारंभ कर रहे हैं। हमारे इस एलिम्को में बहुत सारे दिव्यांगजन ये सब निर्माण कार्य का काम कर रहे हैं। अन्य स्थानों पर भी जहाँ जहाँ ये काम करते हैं, अच्छी रिपोर्ट है, अच्छी CR है, और उनको ऐसा भी लगता है कि मैं दिव्यांग हूँ, यहाँ अगर अच्छा काम करूँगा तो ठीक है, अगर नौकरी से निकाल दिए गए तो शायद कठिनाई होगी, इसलिए भी वो अच्छा काम करते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों को भी अपने संस्थानों में, जहाँ आपको लगे कि हाँ ये काम कर सकता है, तो रखने का प्रयास करेंगे तो अच्छा होगा। हम बहुत सारी नई नई योजनाएँ भी प्रारंभ कर रहे हैं, जैसे पढ़ने लिखने के लिए पहले स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री बने और मुझे ये मंत्रालय दिया, तो उन्होंने कहा कि देखो इनकी शैक्षणिक सुविधाएं देकर के इनको शैक्षणिक क्षेत्र में भी ऊंचा उठाना है, तो सबसे पहले स्कॉलरशिप देना प्रारंभ किया हमने, प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक। ओवरसीज स्कॉलरशिप देने का भी निर्णय लिया है और फेलोशिप योजना के माध्यम से जो डिग्री हासिल करने वाली कोई शिक्षा प्राप्त करता है तो उसको भी हम सुविधा देते हैं। उसमें इन सुविधाओं में आप भी सहभागी बन सकते हैं, आप भी चाहें तो आपके क्षेत्र में अगर ऐसा कोई विशेष योग्य दिखता है, पढ़ाई लिखाई में कोई डिग्री हासिल करने वाली अच्छी पढ़ाई कर रहा है, आप उसको एडॉप्ट करके उसको दत्तक रख करके उसकी भी सेवाओं में अपना योगदान दे सकते हैं। इसके साथ ही साथ हम
जो सुनते नहीं है, बोलते नहीं है, ऐसे बच्चों को कॉकलियर इम्प्लांट की सुविधा भी दे रहे हैं सरकारी अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में। 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए तक का खर्चा होता था, हर कोई कर नहीं सकता था। तो हमने तय किया, ये नई स्कीम, हमने तय किया कि हम कॉकलियर इम्प्लांट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे और 6 लाख रुपए उसको अनुदान देते हैं प्रति चिल्ड्रन। और अभी तक हमने 472 बच्चों का ये कॉकलियर इम्प्लांट चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा करके उनको जो सहयोग किया, खुशी की बात यह है कि वो सुनने भी लगे हैं और जब सुनने लग जाते हैं तो बोलने भी लग जाते हैं, तो बोलने भी लगे। और 3 कार्यक्रम हमने किए, उन 3 कार्यक्रम में बहुत बड़े कार्यक्रम, विश्व स्तरीय कार्यक्रम, जहाँ 10,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को हमने लाभ पहुँचाया, जिसमें प्रधानमंत्री उपस्थित रहे, उन सबके सामने जो पहले सुनते नहीं थे, बोलते नहीं थे, और हमने कॉकलियर इम्प्लांट की सुविधा उपलब्ध कराई, उन्होंने मन की बात प्रधानमंत्री जी से की और प्रधानमंत्री जी ने उनसे भी कुछ की। एक आध फोटो इसमें है, बाकी 2 बड़े कार्यक्रम बाद में हुए हैं। और जब नरेंद्र मोदी साहब की सरकार के 2 साल पूरे हुए तो हमने दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम किया, उसमें 20-25 ऐसे बच्चे बच्चियों को जो पहले सुनते नहीं थे, बोलते नहीं थे, उनको बुलाया और बुला करके माइक पर जैसे मैं बोल रहा हूँ, उनके पेरेंट्स ने उनको उठाया और बुलवाया। कोई कहानी सुना रहा था, कोई कविता सुना रहा था, कोई स्लोगन दे रहा था, कोई हमसे पूछ रहा था, कोई दूसरों से बात कर रहा था। वो दृश्य देख करके भाव विभोर हो रहे थे सब, और उनके माँ बाप की आंखों में तो आंसू थे, और वो कह रहे थे कि साहब भला हो नरेंद्र मोदी का और आपके मंत्रालय का कि आपने ये सुविधा दे दी, नहीं तो हम सोच रहे थे कि इनका भविष्य तो अंधकारमय है ही, हमारा बुढ़ापा भी मिटेगा। परंतु ये 472 बच्चे आज पहले सुनते नहीं थे, बोलते नहीं थे, आज सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, और कभी भविष्य में ऐसा आयोजन आप करेंगे और आप कहेंगे तो हम उनमें से 10-20 लोगों को आपके बीच में भी बुला करके बात करवाएंगे। आप भी इस प्रकार के, क्योंकि हमारी स्कीम नई है और बजट प्रावधान जितना चाहिए उतना है नहीं, डिमांड खूब बढ़ती जा रही है, तो मैं आपसे भी प्रार्थना करना चाहूँगा कि अगर हम आपसे कुछ निवेदन करें ऐसे कुछ नामों का, तो आप उनको एडॉप्ट करें, या आप अपने परिक्षेत्र में भी इस प्रकार के कोई हो तो उनको भी आप सहयोग करके ये कॉकलियर इम्प्लांट की सुविधा उपलब्ध कराएंगे तो ठीक होगा। अब हमने जो 6 लाख अनुदान दे रहे थे, हमने कुछ प्रयास किया तो ये कॉकलियर यंत्र बाहर से मंगाना पड़ता है। पहले वो लगभग 4 लाख में आता था, अब शायद वो 3.5 में आया या 50,000 कम में आने लगा है, तो आपको 6 लाख की बजाय 5.5 लाख में भी काम हो सकता है, तो आप इसमें भी सहयोग देंगे तो बहुत अच्छा होगा। भिन्न भिन्न प्रकार के उपकरण हम बांटते हैं, ये उपकरण बांटने का सिलसिला भी पहले था, पर सामान्यतः वेश्या की और व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल और इसी प्रकार का था, पर अपने डेजी प्लेयर, मोबाइल, कंप्यूटर, जो ब्लाइंड लोग हैं उनके पढ़ने के लिए, संकेत भाषा की पढ़ाई के लिए भी सामग्री उपलब्ध कराते हैं, ब्रेल प्रेस का भी डेवलपमेंट किया है, और 80% से ज़्यादा विकलांग जो चलना तो दूर की बात, खड़े ही नहीं हो पाते हैं, उनको मोटर से चलने वाली मोटराइज ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराते हैं। अब वो एलिम को बनाता है हमारा, उसकी लागत 37,000 आ रही है, अभी 25,000 हम सब्सिडी देते हैं क्योंकि स्कीम नई है, 25,000 सब्सिडी देते हैं, 12,000 कोई भी दानदाता दे दे या वो स्वयं दे दे, या MP फंड से या MLA फंड से भी हम स्वीकार करते हैं, योजना में प्रावधान भी है। तो इस प्रकार के प्रकरण अगर आपके इधर भी ध्यान में आते हैं या हम भी आपसे निवेदन करें तो आप इसमें भी सहयोग करेंगे तो बड़ी कृपा होगी। अभी तक हमने कैंप आयोजित करके देने की परंपरा नहीं थी, पहले अधिकारी कर्मचारियों की भरोसे पर बंटवारा करते थे, पर हमने तय किया कि हम कैंप आयोजित करेंगे, और कैंप आयोजित करने के पीछे उद्देश्य हमारा ये है कि एक तो योजना की जानकारी लोगों तक पहुंचे, और दूसरा ये कि हम जो चीज़ दे रहे हैं उसकी क्वालिटी देखने को मिले, लोगों को सामने देखने के, सबके सामने मिले,
और जो लीकेजेस होते थे, किसको दिया, कब दिया, कहाँ दिया, दिया कि नहीं दिया, पर संख्या कागजों में तो होती थी, ऑन रिकॉर्ड सामने नहीं दिखते थे। तो हमने वो सब किया और हमने वेबसाइट पर, नेट पर भी अपलोड किए हैं जिन जिन लोगों को दिया है, उनके नाम, पते, मोबाइल नंबर और क्या सामग्री दी है, वो भी आपको वेबसाइट पर देखने को मिलेगी। अगर आप सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय स्कीम्स और दी गई सामग्री की जानकारी और ये सब आप करेंगे तो ये LG का मोबाइल है, ये ब्लाइंड लोगों के पढ़ने के लिए काम में आता है और ये हम निरंतर बांट रहे। कल मैं मिजोरम गया था, वहाँ भी इस प्रकार के डेडी प्लेयर और मोबाइल हमने बांटने का काम किया। इसका फायदा ये हो रहा है कि जो ब्लाइंड लोग हैं, पढ़ने में पहले कठिनाई महसूस करते थे, वो आसानी से पढ़ाई करने लगे हैं और पढ़ाई करके प्रतिस्पर्धा में अव्वल रहने के लिए भी प्रयास कर रहे हैं और उसमें उनको सफलता भी मिल रही है। हम इसके साथ ही साथ बहुत सारी सुविधाएं देते हैं, ट्रेनिंग देने का काम भी प्रारंभ किया हमने, कौशल प्रशिक्षण 17 ट्रेड है, उसमें अलग अलग देते हैं, कहीं प्लम्बर का तो इलेक्ट्रिशियन का तो कहीं किसी चीज का। तो उसमें हमने, हमारा एक वित्त विकास निगम है, दिव्यांग वित्त विकास निगम, उसके माध्यम से हम ट्रेनिंग देते हैं। अभी तक 27,000 लोगों को हमने 2 सालों में ट्रेनिंग दी। ये स्कीम पहले नहीं थी, अभी शुरू की है, तो 27,000 लोगों को ट्रेन किया है। 39 करोड़ के लगभग हमने इस पर खर्चा भी किया है और 44,000 लोगों को स्वावलंबी बनाने के लिए, प्रशिक्षण के बाद जो पहले से प्रशिक्षित है या कोई कारोबार करने में एक्सपर्ट है, तो उनको 260 करोड़ रुपए का ऋण दिया है और 44,000 लोगों को वो ऋण उपलब्ध कराया है। और उसमें विशेषता यह है कि ब्याज की दर भी हम 4% या 5% वार्षिक ब्याज पर ही उनको वो सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और जो मेले आयोजित होते हैं, उन मेलों में उनकी दुकानें वगैरह लगाने के लिए भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। और उन मेलों में जब हम जाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं तो बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। पहले हम घर पर बोझ थे, घर वाले हमारे बारे में परेशानी महसूस करते थे, आजकल बोले हम घर वालों को कमा करके खिला रहे हैं और उनको ऐसा एहसास कराते हैं कि अब वो हम पर निर्भर है, इस प्रकार की बातें वो हमको बताते हैं और एक से बढ़कर एक अच्छी चीज़ें भी बनाते हैं। तो आप अगर मार्केट से कोई चीज़ें खरीदते हैं तो प्रयास कर सकते हैं कि जो हैंडीकैप्स योजना के अंतर्गत लाभ लेकर के चीज़ें बना रहे हैं उनसे भी खरीद सकते हैं। आपके विभाग में, आपके उद्योग में, आपके संस्थान में बहुत सारी वस्तुएँ ऐसी हैं जो उपयोग में आती हैं, आप उनके माध्यम से भी खरीद सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई सहयोग चाहिए तो उन संस्थाओं के नाम, पते और क्या क्या वो बनाते हैं वो भी जानकारी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। कहने के लिए बहुत कुछ है, मैं अगर 1.5-2 घंटे भी कुछ कहता रहूँगा तो मेरे जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की 2.25 साल की उपलब्धियाँ हैं वो फिर भी शायद पूरी नहीं बता पाऊँगा। हमने इन 2.25 साल में 4,344 कैंप आयोजित किए हैं और 5,60,000 से ज़्यादा लाभार्थियों को 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि के उपकरण वितरित किए हैं। ये तो ADP योजना और हमारी जो 2-3 संस्थाएं हैं उनके माध्यम से, बाकी जैसे वित्त विकास निगम है और सारी दूसरी संस्थाएं हैं, तो बहुत सारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं के माध्यम से डायरेक्ट मंत्रालय के द्वारा और ये सब लाभान्वित हम करते हैं, वो संख्या अलग ही है। मैं इन सब योजनाओं में आपका सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मिले इस प्रकार की प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप CSR योजना को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जिसका उद्देश्य इन लोगों को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आर्थिक, शैक्षणिक सब दृष्टि से विकास की ऊंचाइयों पर ले जाना है, तो इसमें भी सहयोग करेंगे तो अच्छी बात होगी, कृपा होगी। और मैं इस प्रकार के कार्यक्रमों में प्रयास करके आता हूँ। अभी मेरी एक बैठक चल रही है महाराष्ट्र भवन में और उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बहुत सारे और प्रदेशों से आए हुए सिलेक्टेड प्रतिनिधि भी हैं उनके बीच में,
परंतु मैंने आग्रह किया कि नहीं, मेरे विभाग के काम में जो संस्थाएं सहयोग करती है उनके प्रतिनिधि आए हुए हैं और उनसे मिलने पर हमको कुछ न कुछ प्रेरणा मार्गदर्शन मिलता है और वो मार्गदर्शन लेने की दृष्टि से, एक दूसरे को समझने की दृष्टि से, एक दूसरे का परस्पर अपनत्व और प्रेम भाव बढ़े और जो योजना है उसमें हम सब लोग मिलकर के सहयोगी बने, इसलिए वहाँ जाना जरूरी है। तो मैं उनसे अनुमति लेकर के आया हूँ, देर से आया हूँ इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, परंतु दुरुस्त आया हूँ और आप सबका हार्दिक स्वागत करते हुए मेरी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। विश्वास करता हूँ कि आप अपने उद्देश्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। दिवाली का त्यौहार हालांकि चला गया, छोटी दिवाली आ रही, परंतु फिर भी दिवाली महोत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई शुभकामनाएं। आपका भविष्य मंगलमय हो, भगवान आपको शक्ति संपन्न बनाए रखे ताकि आप जो सत्कार कर रहे हैं उसमें सफलता प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।